ये एक बात मेरे समझ नहीं आती है कि बेचारी औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है। जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती। जब भाभी बनती है तब ननद अच्छी नहीं मिलती, और जब ननद बनती है तब भाभी अच्छी नहीं मिलती। और अंत में सब अच्छी मिल भी जाए तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। अब आखिर में बचा बेचारा पति जो आज तक कभी किसी को अच्छा नहीं मिला। औरतों की सात विचित्र सच्चाइयां। ये बचत में विश्वास करती हैं, फिर भी महंगे महंगे कपड़े खरीदती रहती हैं। महंगे महंगे कपड़े खरीदती रहती हैं, फिर भी इनके पास पहनने को कुछ नहीं होता। इनके पास पहनने को कुछ नहीं होता, फिर भी इनकी अलमारी में इंच भर जगह खाली नहीं होती है। और सजती बहुत है, सस्ती बहुत है, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होती। कभी संतुष्ट नहीं होती, फिर भी चाहती है कि पति इनकी तारीफ करे, चाहती है कि पति इनकी तारीफ करे। और वो बेचारा सच में भी तारीफ करता है तो कभी विश्वास नहीं करती। औरतें ना भिंडी के जैसी होती हैं जो सिर्फ अकेली ही पक सकती हैं, है ना। आओ बीवी की नजर से दुनिया देखे। दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी उसका पिता, दुनिया की सबसे प्यारी औरत उसकी माँ, दुनिया की सबसे अकलमंद औरत वो खुद, दुनिया की सबसे सुंदर संतान उसकी खुद की, दुनिया का सबसे दुखी पति उसका भाई, दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल उसकी भाभी, दुनिया का सबसे कामयाब आदमी उसकी बहन का पति, दुनिया की सबसे गवार औरत उसकी सास, दुनिया की सबसे सुखी औरत उसकी पड़ोसन, दुनिया के सबसे बड़े शुभचिंतक उसकी सहेलियां और मायके वाले, दुनिया का सबसे बड़ा कदरदान साड़ी वाला, और अंत में दुनिया का सबसे खराब निकम्मा झूठा कंजूस बेकार आदमी। अब ये भी बताना पड़ेगा।